गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो फिर भी मैं ये क्वेश्चन थोड़ा करा देता हूँ बच्चे, ताकि कुछ बच्चे डाउट के रूप में पूछते हैं क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन डाउट के रूप में मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन करता हूं। इसका मतलब ये हो गया, जेड इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 आयोटा हमें गिवन है। तो साथ साथ रेशनलाइज कर दे हम, तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, नो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा बच्चे, उल्टा करते हैं ना, 1 माइनस जो भी है इसका उल्टा करते हैं, पता है आपको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, दिस इज रेशनलाइजेशन। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 रूट अंडर 3 आयोटा, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी a2 + b2, क्यों? आयोटा के कारण ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 16 रूट अंडर 3 आयोटा, और ये 3 और ये 1, ये 3 एक कितना हो, 4 हो गया, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 प्लस 1 4, कैंसल आउट करें 4, कैंसल आउट करें 4, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4 प्लस 4 रूट अंडर 3 आयटा, ये हमारा आ गया जेड। अब हम यहां से निकालेंगे 10, मॉड जेड निकालो, चलो मॉड जेड निकाल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, ये कितना जगह, मॉड जेड इक्वल टू देयर फोर ये 16 और 16 थी 48, यानी कि 64 चौदह, हाँ 64 आएगा ना, 4 × 5 = 64, यानी कि 8। फिर मॉडुलस ऑफ जेड जिसको आर बोलते हैं, ये कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। अब हमें टेन अल्फा निकालना पड़ेगा, याद करो टेन अल्फा निकालते थे ना हम लोग, तो टेन अल्फा बराबर होता था वाई बाई एक्स, टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई कितना है, 4√3 वाई बाई एक्स, यानी कि 4√3 अपॉन में माइनस 4, कैंसल आउट करेंगे 4 × 4 = रूट अंडर 3, एंड रूट अंडर 3 का मतलब 10π/3, 10π/3, तो अल्फा आ गया π/3, लेकिन आर्गुमेंट नहीं आया है, आर्गुमेंट नहीं आया बच्चे, आर्गुमेंट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जेड कहाँ पे लाई करता है, तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस एक्स का माइनस वाई का प्लस, यानी माइनस प्लस यहाँ पर, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पर क्या था आर्गुमेंट, क्या था यहाँ अल्फा, यहाँ माइनस अल्फा, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा माइनस पाई, तो ये हमें इसकी जरूरत है। तो आर्गुमेंट जेड का मतलब हो जाएगा थर्ड, दिस इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह कम है, तो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है ना सेकेंड क्वाड्रेंट, यस माइनस प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर आर्गुमेंट जेड क्या था, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, पाई बाई थ्री लिख दिया है यहाँ पर, पाई बाई थ्री, तो क्या सवाल वो आ जाएगा, आर्गुमेंट जेड मतलब कि अब थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू 2π/3, आर्गुमेंट जेड आ गया, यहाँ पे मॉडुलस आ गया, तो पोलर फॉर्म, देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या होता था, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कितना है तो 8, कॉस थीटा कितना है तो 2π/3, ब्रैकेट आयोटा साइन एंगल सेम होगा 2π/3 ही होगा यहाँ भी, एंड दिस इज द पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया कि बच्चे डाउट के रूप में इसको देख लेते हैं और डर से नहीं बनाते हैं, वो पूछने लगते हैं सर ये कैसे करेंगे, सर इसे कैसे करेंगे, तो जान करके मैंने बच्चों इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखा दिया है, तो आप इसको देख लो और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो अब आसान है, मैंने पहले बताया हुआ है, भारी भारी क्वेश्चन इससे भारी, पर फिर भी मैं एक भी क्वेश्चन रह ना जाए तो इसलिए करा दिया। तो चलो फिर इसको मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
या पॉज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व ही है ऑलरेडी, लेकिन बच्चे डाउट के रूप में मुझसे बार बार पूछते हैं, अलग साल का एक्सपीरियंस मालूम पड़ता है, तो मैं यहाँ पे खुद ही करा दे रहा हूँ, खुद ही करा देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा आसानी रहे, आपको ज्यादा समझना आसान रहे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने डन कर दिया बच्चों, अब बारी है सेकेंड क्वेश्चन की। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयटा के साइन को चेंज कर देना, यानी कि इसको पहले सिंप्लीफाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसके आयटा को साइन को चेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन कर देता हूं बच्चे यहां पर, सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन कर रहा हूं, सेकेंड नंबर इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां पे क्या दिया हुआ, जेड इक्वल टू दिया हुआ है 3-2 आयटा, 2+3 आयटा, 1+2 आयटा और 2- आयटा। इसका अंदर ये क्या करना, ये जेड दिया हुआ है तो फाइंड क्या करना है हमें, जेड बार फाइंड करना है, जेड बार। दिस इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी आयोटा है ना, अगर प्लस में तो उसको माइनस कर देना, और माइनस है तो आयोटा के तो माइनस को तो प्लस कर देना, लेकिन रियल पार्ट को कुछ मत करना। चलो चालू करते सॉल्यूशन करना। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 3, 2+3 आयोटा, -2 आयोटा, 2+3 आयोटा। और यहां से लाइन खींचा, यहाँ पे 1, 2- आयोटा और +2 आयोटा, और ये आ जाएगा 2- आयोटा। आराम से मल्टीप्लाई करो, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 2 6 और 3, 3 9 आयोटा। इसको करोगे तो -4 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आयोटा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चे मालूम है आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस वन होता है। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये अपने साइन को चेंज कर लेगा, तो 6 ये दिस इज नथिंग बट दिस इज 5 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसके कारण। और यहाँ पे 2, इसका मतलब हो गया 3 आयोटा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 6 और 6 12, और ये 5 आयोटा, और ये क्या 2 2 4 4+3 आयोटा। अभी तो हम इस रेशियो में आया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन के लिए क्रॉस जो भी है साइन इसको चेंज करके, तो 4-3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4-3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जेड इक्वल टू फिर आगे बढ़ेगा बच्चे, 12 के साथ आएगा 4-3 आयोटा, और 5 आयोटा के साथ आएगा 4-3 आयोटा, और नीचे तो सिंपल अभी तुरंत बताया था, a² + b² सीधा, क्यों, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है ना, तो वो प्लस कर देगा यहाँ पर। ये मैंने लिखा दिया प्रॉपर्टी में, तुरंत लिखाया था। आगे बढ़े यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 48 और दिस इज -36 आयोटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 आयोटा स्क्वायर। और आराम से करना है, ऊपर हो गया ये 16 और 9 तो 25। अब यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर फिर से यहाँ पे बदलेगा, साइन चेंज करेगा, तो फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू 48, दिस इज -16 आयोटा, दिस इज -16 आयोटा, एंड दिस विल +15 अपॉन में 25। तो जेड इक्वल टू फाइनली क्या आएगा हमारा, 8 × 5 = 13 और 4 × 1 = 63 -16 आयोटा अपॉन में 25 लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि जो भी आंसर आया ना उसका, उसमें से आयटा वाले का साइन चेंज कर देना है। इसीलिए कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी कि जेड बार इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दो बच्चे, 63 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +16 आयटा, और दोनों के नीचे 25 और 25 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, एंड दिस इज आवर आंसर।
तो बहुत ज्यादा आसान था, कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे सॉल्यूशन करना था, सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई एंड दिस इज रेशनलाइजेशन। जो भी आंसर आया उसमें से बीच वाले का साइन, आइटा वाले का साइन चेंज कर देना है, तो हमारा आंसर कंजुगेट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। ज्यादा मथापच्ची तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन में ज्यादा सिंपल था, मल्टीप्लाई करना था और जो आंसर है उसको कंजुगेट करना था और लास्ट में उसका रेशनलाइजेशन करना था और लास्ट में उसको साइन चेंज कर देना था। ओके, तो यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। आप यहां पॉज करके भी लिख सकते हो, सॉल्व कर लेना, पॉज करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। ये रेशियो में है, कितने बच्चे कह रहा था कि सर वो आपने मॉडुलस कराया था तो रेशियो में तो था नहीं, तो ये रेशियो में इसका कैसे करेंगे मॉडुलस, तो इसलिए मैंने जान के इसको सेलेक्ट किया है ताकि ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मॉडुलस निकालना है, यानी जेड बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जेड बराबर दिया हुआ बच्चे 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा, फाइंड क्या करना है मॉडुलस जेड और आर्गुमेंट जेड, यही फाइंड करना भैया, यही फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करना, मॉडुलस जेड, दिस इज मॉडुलस जेड एंड दिस इज आर्गुमेंट जेड, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मैंने बता दिया जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, रेशियो में रहे, तो आंख बंद करके उसका रेशनलाइजेशन कर देना, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन क्रॉस इसका उल्टा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइड, अब ये हो जाएगा ऊपर क्या 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो रहा है तो इसको बता दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दो, मैंने बताया हुआ है यहाँ पर a प्लस आइटा b इंटू ए माइनस आइटा b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया हुआ है, ये लगाया नीचे, फिर से लिख दिया, दोबारा लिख दिया मैंने एक बार, ठीक है। ऊपर लगा दो आइडेंटिटी लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 आइटा स्क्वायर बोले तो माइनस 1 एंड दिस इज 2 आयटा एंड नीचे 2 वंस वन कैंसिल हो गया, जेड इक्वल टू क्या आ गया 2 आयटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जेड इक्वल टू नथिंग बट ओनली आयटा, यानी इसको जीरो लगा दो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए, 0 प्लस आयटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, क्या फाइंड करना था मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर में ये रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, आयटा नहीं लेना नंबर लेना है 1, तो 0 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 1 बराबर 1, मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया 1, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड जो जिसको हम लोग आर भी बोलते हैं। अब क्या बारी है आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले टेन अल्फा यानी y बाई x यानी 1 नीचे 0 1 ऑफ y बाई x कौन कैसे इनफिनाइट यानी कि टेन पाई बाई टू अल्फा क्या मिल गया सीधा 5/2 मिल गया और ये क्या ये भी प्लस में है तो जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस के चक्कर में ये वाला प्लस जेड भी प्लस है ये भी प्लस प्लस है प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट में होता है यानी कि आर्गुमेंट जेड अल्फा ही हो जाएगा आर्गुमेंट जेड बराबर अल्फा अल्फा बोले तो 5/2 आर्गुमेंट जेड भी आ गया और मॉडुलस जेड आ गया। अगर पोलर फॉर्म पूछता तो इसका आंसर क्या होता है पता है इसका आंसर होता है 1 यानी r जो है यही है r cos π/2 आयटा sin π/2 लिख लूं मैं पोलर फॉर्म में लिख देता हूं इसका पोलर फॉर्म होता ना बच्चे तो लिखता r r का है 1 ही है cos π/2 प्लस आयटा sin π/2 होता अगर पूछता तो पोलर फॉर्म बट पूछा नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया बच्चे r के जगह ये रख देते और यहां से पोलर फॉर्म हमारा आसानी से आ जाता है। यहां से हमने निकाल लिया मॉडुलस ऑफ जेड एंड हेंस आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल लिया। यहां पर अल्फा कहां से लगाया पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा एज इट इज रहता है कुछ भी चेंज उसमें नहीं होता है। ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट मैंने खत्म कर दिया ये और यहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट की बारी है इसको रब कर देता हूं फाइनली थर्ड का सेकेंड अब हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने पहले ही सिखा दिया कॉन्सेप्ट
उसके ऊपर काम करना है बस, इतना कॉन्सेप्ट रहता है JEE में भी। पर वह क्या घुमा के पूछता है, बच्चे को समझ में आ गए तो बढ़िया। जेड रिक्वेस्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट है बच्चे, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट थर्ड का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड। जेड बराबर है वन अपॉन में वन प्लस आयोटा, फाइन क्या करना है, मॉड जेड फाइन करना है और आर्गुमेंट जेड फाइन करना है, ठीक है। तो फिर से मैंने बोला रेशियो में रहे तो रेशनलाइज, तो जेड रिक्वेस्ट क्या होगा, वन अपॉन में वन प्लस आयोटा, रेशियो में रहे तो रेशनलाइज, तो वन माइनस आटा से मल्टीप्लाई, वन माइनस आटा से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा ऊपर, ऊपर तो हो गया वन माइनस आई का ही हो जाएगा, नीचे वन का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू वन माइनस आयोटा अपॉन में वन प्लस वन टू, यानी वन बाय टू प्लस वन बाय टू आयोटा, ये तो जेड हो गया, ये तो जेड हो गया। अब मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड बोले तो रूट अंडर में इसका होल स्क्वायर, वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर, वन बाय फोर वन बाय फोर मिले वन बाय टू होता है, ये वन बाय टू हो गया। तो मॉड जेड का मतलब क्या हो जाएगा, वन बाय रूट अंडर में टू, इसको हम लोग आर भी बोलते हैं, सबको मालूम है, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। अब क्या फाइंड करना है हमें, आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड के लिए सबसे पहले टेन अल्फा निकालना है। नाउ आर्गुमेंट जेड के लिए सबसे पहले टेन अल्फा, वाई बाय एक्स, वाई का रोल क्या निभा रहा है, वन बाय टू, फिर से वन बाय टू, वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, कट गया तो वन ही आ गया ना, वन, वन कब आता है जब टेन पाई बाय टेन का वैल्यू वन कब आता है, जब 45 डिग्री होता है। तो अल्फा तो मिल गया हमें, अल्फा तो मिल गया हमें पाई बाय फोर। अब क्वाड्रेंट चेक करो, देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में ही है, इसका मतलब क्या है, जेड लाइज प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड लाइज कर रहा है, और जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करता तो हमें मालूम है ना, यहाँ से अल्फा ही रहता है, यहाँ पर ये माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस पाई, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट यही अल्फा का अल्फा ही रह जाएगा आर्गुमेंट जेड, तो आर्गुमेंट जेड बराबर अल्फा ही रह जाएगा, अल्फा क्या है तो पाई बाय फोर है, आर्गुमेंट जेड आ गया पाई बाय फोर और मॉडुलस ऑफ जेड आ गया वन बाय रूट अंडर टू। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है बच्चे, तो काम आसान था, पुराने जैसा ही काम है, खाली क्या है रेशियो में रहता है ना, तो बच्चे डर जाते हैं, तो कुछ बच्चे डाउट के रूप में पूछने लगते हैं, सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने खुद से करके आपको ये भी दिखा दिया है, ठीक है। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, इसका भी मतलब समझा देता हूं मैं पहले, इसको अगर लिख लो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड रियल थीटा, रियल थीटा सच दैट इतना इतना इज प्योरली रियल। अभी मैं बताऊंगा प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, ऐसे मैंने बोला होगा शायद पहले, और अगर नहीं बोला तो फिर अभी बोल के बता देता हूं कि प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं एक बार वापिस, अगर नहीं बताया है में भी पॉसिबल नहीं बताया होगा तो बता देता हूं, वापिस बता देता हूं। प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली रियल अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें लिखा हुआ प्योरली रियल, यहां से लिखा हुआ अगर सपोज करो प्योरली रियल लिखा हुआ है, प्योरली रियल यानी कि 3, 2, 4, 5, 6 ये सब नंबर प्योरली रियल है, ये सारे सारे क्या है प्योरली रियल नंबर है। अगर पूछेगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी में क्या हो जाएगा, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, ये सब क्या है प्योरली इमेजिनरी है। और यहाँ पर पूछेगा सिर्फ, यहाँ पर पूछेगा इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी बोलेगा, इमेजिनरी बोलेगा, तो ये इमेजिनरी होगा जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पर जो बी पार्ट है ये पार्ट है, यहाँ पर 6 0 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 6 आयोटा, ये इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी है। और यहाँ पर ये देखो, अब इसमें देखो प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या हो रहा है, प्योरली सॉरी प्योरली रियल में क्या हो रहा है पता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो है, ध्यान से देखा इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें, प्योरली इमेजिनरी में क्या है रियल पार्ट जीरो है, तो रियल पार्ट जीरो है, ठीक है कि नहीं, इसमें तो दोनों पार्ट है, यहाँ ए भी है बी भी है, ठीक है कि नहीं, ये जीरो नहीं है, यहाँ से ए प्लस आयोटा बी अगर रहता तो यहाँ पे लिख देंगे बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें,
इमेजिनरी के लिए क्या होता है, ए प्लस आइटा बी हो अगर, तो यहां पे दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, इमेजिनरी में कंडीशन दे देगा, ए प्लस आइटा बी देन ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, इस पर टिक लगाना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से बोलता हूँ, इमेजिनरी नंबर में ए प्लस आइटा बी होता है उसमें बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो होएगा चलेगा बट बी जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था प्योरली रियल का, प्योरली इमेजिनरी का और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट था। अब इस क्वेश्चन पे मैं आना चाहता हूँ बच्चे, आई एम जेड का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो, रियल आर जेड का मतलब क्या, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट जीरो यानी रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, समझ में आया, इससे बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है, ठीक है कि नहीं, ज्ञान वाला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया बच्चे, अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आने वाला हूं, चलो मैं इसको रब कर, ये तो कॉन्सेप्ट था प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट था बच्चे। अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर आते हैं, फाइंड रियल थीटा, फाइंड रियल थीटा इज प्योरली रियल लिखा हुआ है, प्योरली रियल का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना है, आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, जेड इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 2 iota sin θ, इधर क्या दिया हुआ है 1 - 2 iota sin θ, सबसे पहले बोला था कि रेशियो में रहे, तो आंख बंद करके, आंख बंद करके क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन, तो कर दो रेशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 iota sin θ, 1 + 2 iota sin θ, कर दिया रेशनलाइजेशन, अब प्यार से मल्टीप्लाई करो आराम से, 3 होगा मल्टीप्लाई 1 + 2 iota sin θ से, और ये 2 iota sin θ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे डब्बा से, तो 1 + 2 iota sin θ से मल्टीप्लाई होगा, नीचे मस्त हो जाएगा, यहां से मैंने बता दे 1 का स्क्वायर + 2 sin θ का स्क्वायर, आयटा को छोड़ करके जो है उसका स्क्वायर कर देना, नीचे में आयटा को छोड़ करके जो नीचे रहे उसका होल स्क्वायर कर देना। अब आगे बढ़ते आराम से, जेड इक्वल टू क्या बनेगा, जेड इक्वल 3 × 1 = 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 iota sin θ, 6 iota sin θ, इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 iota sin θ, और इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 iota² sin²θ, और सबके नीचे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 × 2 = 4 sin²θ, ऐसा हो गया। अब हमें मालूम है कि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, तो फिर से लिखो यहाँ पर जेड इक्वल टू 3, और ये ऐड हो जाएगा बच्चे 6 × 2 = 8 8 iota sin θ, यहाँ हो गया -4 - 4 sin²θ, ठीक है कि नहीं, -4 कहाँ से लगाया, आइटा स्क्वायर चक्कर में, और नीचे क्या है हमारे पास 1 + 4 sin²θ। अब हमारे पास क्या बच गया, ये और ये, इसमें आयटा नहीं, इसमें आयटा नहीं है, दो टुकड़ा में तोड़ दो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में तोड़ दो, 3 - 4 sin²θ + 8 sin θ, ये इमेजिनरी पार्ट, इसके नीचे ये आ जाएगा 1 + 4 sin²θ, और यहाँ पे प्लस का साइन है ना, यहाँ से यहाँ पर ये प्लस का साइन है, यस प्लस, ये हो जाएगा 1 + 4 sin²θ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हो गया है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हो गया। लेकिन क्या हमें क्या लिखा हुआ है कि प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली रियल का मतलब ये तो रहेगा, प्योरली रियल के, प्योरली रियल लिखा हुआ है, प्योरली रियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना है, एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, व्हाई, बिकॉज आयटा इज हियर, इसको जीरो कर देना है, प्योरली रियल के चक्कर में, प्योरली रियल के चक्कर में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, देयर फोर 8 sin θ / 1 + 4 sin²θ = 0, अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8 sin θ = 0, इसको एक उधर ले आओ तो sin θ = 0, अब मैंने
ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था कि जीरो कब आता है, जब होता है साइन एन पाई या साइन के पाई लगा दो या एन पाई लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो अब साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, के पाई। फिर के इज एनी इंटीजर, तो बुक में यहाँ एन पाई भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे बुक पर के पाई देगा एन पाई भी लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी है। तुम एन पाई लिख लो, एन पाई आ जाएगा, यहाँ पे कोमा के इस ए है, जेड का मतलब इंटीजर है, ठीक है कि नहीं। आई लिख देता हूँ यहाँ पर, आई फॉर इंटीजर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर के पाई ले या एन पाई ले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्योरली रियल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन जो थे सारे अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट थे जो बच्चों को डाउट के रूप में आते रहता है। तो बच्चों मैंने इनको सबको सॉल्व करके आपको बताया, आप इसको समझने का प्रयास करना, मजाक मत लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर से JEE में एक क्वेश्चन आता है और भारी क्वेश्चन नहीं होता है, बिल्कुल एलेवेंथ के कॉन्सेप्ट आधारित रहता है, ज्यादा भारी नहीं होता है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट को बराबर समझ लिया तो आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है कि नहीं। तो फिर चलो आज की मुलाकात यहीं पर करते हैं समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।